वेलकम बैक गाइज, अनदर न्यू न्यूज वीडियो। तो गाइज, जो फर्स्ट न्यूज निकलती है वो निकलती है डायनेमो की तरफ से। तो गाइज का डायनेमो की आईडी बैन हो गई है, वो भी लाइव स्ट्रीम में। तो ये गाइज क्लिप देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पर। तो जो ऑफिशियल लोगों ने दिया वो लिंक यूज करो भाई हम लोग का। यू हैव बीन बैन, अबे यू हैव बीन बैन फॉर 4 डेज। हां बे, यू हैव बीन बैन फॉर 4 डेज भाई। मैं नहीं कर रहा लॉगिन, मैं नहीं कर रहा लॉगिन। ओ भाई भाई, पर स्क्रीन पे दिख रहा है बैन वाला, मजाक कर रहे हैं। अबे स्क्रीन पे दिख रहा है, आई डोंट नो यार। तो भाई मजाक ही लगता है। बट क्यों बैन? अरे हां बैन हो गए हो अब। वाओ यार भाई, 4 आवर्स का ब्रेक आया है भाई। तो भाई ठीक है भाई, ये कर लिया भाई आपने। तो गाइज, उनका अकाउंट बैन नहीं हुआ था, बस उनके अकाउंट पे टाइमर आ गया था। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि BGMI में अब टाइमर आ गया है। जो 18 से कम है वो सिर्फ 3 घंटे खेल सकते हैं, और जो 18 प्लस है वो 6 आवर ही खेल सकते हैं बस। तो गाइज ये बात गॉडल निये को भी नहीं पता थी, और उन्हें किसी ने बताया उनके लाइव स्ट्रीम पे, और उनका रिएक्शन आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। भाई तुम सही है क्या? थोड़ी सी दिक्कत है, माइटी एफएफएस ऐसा है क्या? ए पाशा सही बता रहे, सही बता ऐसा है क्या? सही बता। गाइज आपको तो पता ही है BGMI एक इंडियन गेम है, और गाइज इसका सॉल्यूशन आपको पता ही है अब तक निकाल दिया गया होगा। तो इसके ऊपर स्काउट का क्या रिएक्शन आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। सिर्फ 6 घंटे खेल पा रहे हैं। यस आई नो, वो 6 आवर्स वाला जो है, आई होप कि जल्दी से सॉल्यूशन निकल जाए। हमने एक अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला उस चीज का, जो है कि हम लोग ई-स्पोर्ट्स अलग आईडी से खेलेंगे और क्लासिक स्ट्रीम्स अलग आईडी से करेंगे। आई होप ये मैनेजेबल रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या सोचे कि ई-स्पोर्ट्स हम लोग कॉम्पिटिटिव सीनेरियो का दिन का 6 घंटा तो आई थिंक खेल ही सकते हैं। तो वो 6 घंटे हम लोग न्यू आईडी से खेलेंगे, और बाकी स्ट्रीम क्लासिक खेलना सब कुछ हम खेलेंगे अपने मेन आईडी से, जब तक कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता। I personally feel कि गेम के सेशन तो निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। क्योंकि यार BGMI यार, ऐसा लोग थोड़ी करेंगे कि अपने व्यूअर्स को, लोग अपने प्लेयर बेस के लिए कुछ ना करें। BGMI क्राफ्टन सोचता है। तो गाइस इसके ऊपर स्काउट भाई ने सॉल्यूशन भी दे दिया। तो गाइस आपको तो पता ही है कि 29 तारीख को सर्वर अनबैन हो गए हैं, और गाइस जो BGMI की स्क्रिम्स है वो भी चालू हो चुके हैं, बट उसके अंदर सोल और गॉड लाइक अभी नहीं खेल रही है। तो इसके ऊपर तो गाइस गॉड लाइक अभी क्यों नहीं खेल रही है, इसके ऊपर नियो ने कुछ ये बोला। स्क्रिम्स अरे स्क्रिम्स भाई, अपने बंदे ही नहीं आए आज, अभी शैडो ट्रैवल कर रहा है, लाला ट्रैवल कर रहा है, लोग आएंगे उसके बाद। और गाइस सोल क्यों नहीं खेल रही स्क्रिम्स, इसके ऊपर गोल्डी भाई ने कुछ ये बोला। भाई सोल नॉट प्लेइंग स्क्रिम्स, क्योंकि आज गेम आया है, सब लोग अपनी सेटिंग वेटिंग सब चीजें करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या-क्या कैसे करना है। तो गाइस जो नेक्स्ट न्यूज़ निकलती है वो निकलती है मवी की तरफ से। तो गाइस मवी ने अपने टीम के 4 प्लेयर्स रिवील कर दिए हैं, और क्या गाइस मवी अपनी न्यू टीम बनाने वाले हैं। तो गाइस आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। गाइस चलो 50 करो, आपने किए नहीं, 25 बचे हैं, मैं आपको बता देता हूं। अभी के लिए नथिंग इज फिक्स्ड, वी आर टेकिंग ट्रायआउट्स ऑफ न्यू प्लेयर्स फॉर नाउ, लाइक विद एटलस आदि एंड जादू, ये 3 प्लेयर्स हैं। तो अभी हम लोगों ने ये डिसीजन इसलिए लिया है, अंडरडॉग्स वाला, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि शुरू से स्टार्ट करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे को अपने मन से ऊपर मैं काम नहीं करूँ। ठीक है, स्कैम इसमें स्कैम क्या है, वी नो, तो यू नो, तो इसमें मेरी क्या गलती भाई। तो यही है, अभी के लिए ट्राई आउट चालू है, ऊपर नीचे चेंजेस आती रहेंगी, जब परफेक्ट हो जाएगा सब तो आई विल लेट यू नो। एंड अपने गेम प्ले भी अपन आज से फोकस करने वाले हैं, तो अपने गेम प्ले में तो चेंजेस दिखने ही वाली हैं तुम लोगों को। गद्दारी कर रही क्यों, इसमें क्या गद्दारी? तो गाइस जो नेक्स्ट न्यूज है वो निकलती है ओशन शर्मा की तरफ से। तो गाइस ओशन शर्मा जोनाथन के ऊपर कुछ गोल्डन वर्ड्स बोलते हैं, और ये सब आप देख सकते हो इस क्लिप में। आशीष भाई सुनो, देन स्टॉप प्लेइंग सच कंट्रोवर्शियल वीडियोस ऑन स्ट्रीम। ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, एक इंसान की अचीवमेंट जब आप देखते हो ना उसको कंट्रोवर्सी नहीं बोलते। अगर आपको कंट्रोवर्शियल लग रहा है तो शायद आपकी हेट है उस इंसान के। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये किसी से अच्छा या कोई से अच्छा है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग द फैक्ट दैट द पर्सन हैज डन एंड अचीव्ड सो मच इन लाइफ। ओके, सो मे बी ग्रो अप फ्रॉम बीइंग अ स्मॉल किड और मे बी हैविंग अ 9 ईयर ओल्ड ब्रेन एंड मे बी अप्रिशिएट समवनस अचीवमेंट। ओके, इट्स नॉट जस्ट फॉर हिम, हर किसी ने, जो 64 लोगों की लॉबी होती है ना, 64 के 64 लोगों ने कुछ उखाड़ा है तभी वो टूर्नामेंट्स में खुद को लेकर के जाते हैं, राइट? तो या So maybe grow up and start appreciating someone's achievements. Once again, next few months are important for you guys. So I hope you guys take that seriously. बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइज।